देश का सारे जाने माने अखबारों का फ्रंट पेज में मोदी साहब का फोटो आया। मोदी साहब हाथ जोड़ के इस देश का नागरिकों से अनुरोध किया, भाइयों बहनों जियो का सेवा ले लो। क्या एक बार इस देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब BSNL के प्रति इस तरह से, ये मोदी सरकार का साजिश है। इस तरह से प्लान बनाओ, BSNL को भूखे मारो तो BSNL बंद हो जाएगा। इसके खिलाफ आज, और ये BSNL वाले नहीं, इस देश के हर PSU, BSNL हो, रेलवे हो, तेल हो, सेल हो, भेल हो, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जा लीजिए, बैंक को लाइन पे लगा रखा है। आजादी के बाद सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को निर्माण किया, पब्लिक सेक्टर वॉज स्टार्टेड। उस वक्त इस देश का प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, जो हमारा स्टील प्लांट है या हमारा रेलवे है, उसके बारे में उन्होंने कहा ये सार्वजनिक क्षेत्र हमारा नव भारत का मंदिर है। लेकिन आज मोदी साहब इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना क्या है ये सब लोग जानते हैं। सरकार तो कॉरपोरेटों को समर्थन करता, सरकारी कंपनियों को समर्थन नहीं करता। अगर BSNL 4G सेवा शुरू करेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा जियो को, एयरटेल को भी। इसको रोकने के लिए ही सरकार BSNL को अपना 4G सेवा शुरू करना नहीं देता। इससे JS दीपक एक ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखा, रातों रात मिस्टर जयेश दीपक सीनियर IAS ऑफिसर टेलीकॉम सेक्रेटरी का कुर्सी निकल गया, उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से शिफ्टिंग करके कॉमर्स डिपार्टमेंट में लगा दिया। ये इससे आप समझ सकते कोई भी, इवन सीनियर IAS ऑफिसर भी। नमस्कार, आज देश के अलग अलग राज्यों से BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के लोग आए हुए हैं दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर के। और मांग क्या है? मांग तो मैं तो समझता हूँ कि ये जनता के लिए मांग रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। 4G और 2G इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर ये 4G और 2G उस वक्त में आ गया होता तो क्या जियो का नामो निशान होता? हमारे साथ BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर एक बार बताइए, आज BSNL जिस कगार पे पहुँच चुकी है, आखिर सरकार हर PSU, मैं तो एक BSNL की बात क्यों करूँ, हर PSU को कॉरपोरेट को देने के लिए तैयार खड़ी है, बस मौका मिलने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको कि आप लोग जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज़ लगा रहे हैं, सरकार सुनने वाली है इसको? सरकार सुनेगा या नहीं सुनेगा अलग बात है, लेकिन आवाज़ उठाना हमारा ड्यूटी बनता है। आपने सही कहे, एयर इंडिया को खराब करके टाटा के पास कम पैसा के लिए हैंडओवर कर दिया, वैसा इस देश का हर सरकारी कंपनी को बर्बाद करके बड़े बड़े कॉरपोरेटों के पास हैंडओवर करना इस सरकार का रोड मैप है। इस दिशा में BSNL को भी सरकार बर्बाद करता है। आप जानते जियो एयरटेल के जैसा प्राइवेट कंपनी वाले अपना 5G सर्विस चालू कर दिए, लेकिन आज इस देश का राजधानी में इस देश का कोने कोने से आए हुए BSNL कर्मचारी धरना प्रदर्शन करना है। मांग क्या है? BSNL को 4G चालू करने दो। आप सुने होंगे सरकार, खास करके हमारा मंत्री बड़ा बड़ा बयान देता है, 2019 में BSNL का पुनरुद्धार के लिए 70,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार दिया, 2022 जुलाई में 1,64,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार दिया BSNL का पुनरुद्धार के लिए। अब इस साल जून 7 तारीख तीसरा रिवाइवल पैकेज 90,000 करोड़ रुपया BSNL को सरकार दिया। ये सारा कागज़ में रहता है। असल में क्या है, सरकार BSNL का टांग तोड़ता है, खड्डा खोद रहा है, साजिश कर रहा है, BSNL को 4G सेवा भी शुरू करना नहीं देता है। सरकार का पैसा हमको नहीं चाहिए। कम से कम 2 साल से पहले BSNL, जो BSNL का 3G इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के माध्यम से उन 3G इक्विपमेंट को 4G इक्विपमेंट बना करके
4G सेवा शुरू कर सकता था कम से कम 2 साल से पहले, लेकिन इस अपग्रेडेशन कहते हैं, इस अपग्रेडेशन का अनुमति मोदी सरकार मना किया। किस लिए मना किया? अगर BSNL 4G शुरू करेगा तो उसके वजह से जियो को नुकसान होगा। मामला क्या है, जियो 2016 में अपना सेवा शुरू किया, BSNL उससे पहले से सेवा देता है। जिस दिन जियो अपना सेवा शुरू किया, इस देश का सारे जाने माने अखबारों का फ्रंट पेज में मोदी साहब का फोटो आया। मोदी साहब हाथ जोड़ के इस देश का नागरिकों से अनुरोध किया, भाइयों बहनों जियो का सेवा ले लो। क्या एक बार इस देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब BSNL के प्रति इस तरह से कुछ क्या लोगों से रिक्वेस्ट किया होगा? सर ये साफ है, सरकार प्राइवेट कंपनियों को खास करके जियो को सपोर्ट कर रहा है। अगर BSNL 4G सेवा शुरू करेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा जियो को, एयरटेल को भी। इसको रोकने के लिए ही सरकार BSNL को अपना 4G सेवा शुरू करना नहीं देता। अच्छा, क्या क्या रीजन हो सकता है? आपने कहा कि सरकार चाहता है कि जियो का सेवा ही चलता रहे, जनता उसी पे डिपेंडेंट रहे या प्राइवेट ऑपरेटर पे डिपेंडेंट रहे, BSNL को नहीं बढ़ाना चाहता। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? रीजन ये सर, ये सब लोग जानते हैं, सरकार तो कॉर्पोरेटों को समर्थन करता, सरकारी कंपनियों को समर्थन नहीं करता। केवल BSNL नहीं, आप सरकारी बैंकों को देखो, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को देखो, सरकारी तेल कंपनी, सरकारी स्टील कंपनी, सबको कमजोर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आखिर में सबको लेकर के प्राइवेट के पास, कॉर्पोरेट के पास हैंडओवर करना इस सरकार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। एयर इंडिया को खत्म कर दिया, हैंडओवर कर दिया, उस दिशा में BSNL को भी बर्बाद कर रहा है। मैं कह दिया आपको, 2 साल से पहले BSNL अपना 4G सेवा शुरू कर सकता था, लेकिन सरकार साजिश करके रोड ब्लॉक क्रिएट किया, BSNL को अपना सेवा शुरू करने नहीं दिया। लेकिन बार बार ऐलान देता है, लाखों करोड़ रुपया सरकार BSNL को दे रहा, नया टेक्नोलॉजी दे रहा। अरे यार, इसके बावजूद भी BSNL के पास आज भी हाई स्पीड डाटा नहीं है। हाई स्पीड डाटा नहीं रहने के वजह से BSNL का कस्टमर BSNL छोड़ करके भाग रहे। 2022 में केवल 70 लाख कस्टमर BSNL का कस्टमर BSNL छोड़ के निजी कंपनियों के पास चला गया। अब रुकिए एक मिनट, आपने कहा कि BSNL को ब्लॉक किया, क्यों ब्लॉक किया? आपने खुद कहा कि 70 लाख कस्टमर छोड़ के भाग गया। यहाँ पे मैं चाहता था कि इनको बीच में रोकूं, मैंने बोलने दिया इनको। सबसे बड़ी बात थी कि आपने देखा होगा कि जब जियो लॉन्च हुई थी तो एक एक दिन में 1-1 मिलियन यूजर बढ़ रहे थे। वो यूजर कहाँ से आ रहे थे? कुछ नए थे, कुछ BSNL के यूजर जा रहे थे, क्योंकि 4G जो था वो जियो लेके आई थी और सस्ते दामों में लेके आई थी। तो भारत में तो कंज्यूमर का ही इस्तेमाल करना मकसद है सर, आप समझ रहे हैं? जो आप कह रहे हैं उसी पे मैं आ रहा था। मैं आपको कहता हूँ, किसी भी कंपनी, आप जियो ने क्या किया आप जानते, सब कुछ शुरुआत में सब कुछ फ्री में दिया, ठीक है। किसी भी कंपनी जब अपना सेवा शुरू करता है, 3 महीनों के लिए कुछ प्रमोशन स्कीम चालू कर सकता, उसके हिसाब से अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल, कम कीमत पर डाटा, सब कुछ दिया, 3 महीने के लिए ही दे सकता, उसके बाद नहीं दे सकता। लेकिन जियो ने क्या किया, पहले 3 महीने के लिए दिया, उसके बाद भी जो प्रमोशन ऑफर के नाम पर सबको कम कीमत पर दिया, केवल बाकी कंपनियों का दुकान क्लोज करने के लिए। जरा सुनिए, उस वक्त DOT का एक सेक्रेटरी था, उसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, जेएस दीपक बोल के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेक्रेटरी था, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया, क्योंकि यह सब फ्री में देता, इसी के कारण जो सरकार को मिलने वाला लाइसेंस फी पैसा वो कटाए, बोल करके मिस्टर जेएस दीपक एक ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखा। रातों रात मिस्टर जेएस दीपक सीनियर IAS ऑफिसर टेलीकॉम सेक्रेटरी का कुर्सी निकल गया, उसको
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से शिफ्टिंग करके कॉमर्स डिपार्टमेंट में लगा दिया। ये इससे आप समझ सकते हैं कोई भी इवन सीनियर आईएएस ऑफिसर भी जियो के खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहता। ये सरकार इस तरह से मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। देखो ये जियो पूरा देश को लूट मार रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी करके करके बहुत पैसा इकट्ठे कर रखा। उस पैसा लेकर के सारा सेवा शुरू में फ्री में दिया, ठीक है, फ्री में मिल रहा, सारा कस्टमर उसके पास चला गया। उसके इसमें अजीब की बात क्या है? अजीब की बात सिर्फ इतनी है कि जो सरकार आई थी कि ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के, वही सरकार, क्योंकि भारत में जितने पीएसयू हैं सबके आगे इंडिया या भारत लगा हुआ है, बीच में या आगे पीछे। तो सर, मैं आप समझ सकते, इस देश का लोग समझ सकते, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर कहते, जब हमको आज़ादी मिला, आज़ादी के बाद सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को निर्माण किया, पब्लिक सेक्टर वॉज स्टार्टेड। उस वक्त इस देश का प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, जो हमारा स्टील प्लांट है या हमारा रेलवे है उसके बारे में उन्होंने कहा, ये सार्वजनिक क्षेत्र हमारा नव भारत का मंदिर है। लेकिन आज मोदी साहब इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना क्या है? जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे, किसी प्राइवेट मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें कहा था इस देश का पब्लिक सेक्टर का जन्म हुआ, मरने के लिए ही हुआ। यह इनका दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण रहेगा ना, आपने सही कहा ना, ये दृष्टिकोण रहेगा। जिसने पैदा किया उसको मरने का दुख होगा ना, जिसने कुछ पैदा ही नहीं किया उसको क्या पता मरना क्या होता है, तो उसको क्या पता? सर, मैं आपको कहता हूं BSNL एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, ठीक है, इसका मालिक तो सरकार है, मालिक सरकार है, इसलिए हर साल BSNL डिविडेंड देता है सरकार को, ठीक है। उसको छोड़ करके सरकार क्या कहता, हम हमारा इक्विपमेंट को अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन मना किया क्योंकि कारपोरेटों का हित में, प्राइवेट कंपनियों का हित में, ठीक है। उसके बाद हमारा अपग्रेडेशन अलाउ नहीं किया, नया 4G इक्विपमेंट खरीदने के लिए मार्च 2020 में टेंडर निकाला, सरकार बोला टेंडर को कैंसिल करो। सरकार कहा आप तो सरकारी कंपनी है, नोकिया एरिक्सन फॉरेन कंपनी, उससे इक्विपमेंट मत खरीदो, इंडियन कंपनी से खरीदो। इंडिया में किसके पास 4G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी है? टाटा ने कहा 2 साल से पहले हम 4G इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, 2 साल बीत गया, आज भी अमृतसर में, फिरोजपुर में, पठानकोट में जो टाटा का इक्विपमेंट का फील्ड लेवल ट्रायल होता है, फील्ड लेवल टेस्टिंग भी हुआ नहीं, और 2 साल लगेगा टाटा हमको 4G इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। मतलब अक्टूबर 2024 के बाद ही BSNL अपना 4G सेवा शुरू कर सकता, अगर टाटा 4G इक्विपमेंट सप्लाई करेगा तो। सर, मैं आपको कहूंगा तब तक कोई कस्टमर वेट नहीं करेगा, BSNL छोड़ करके जाएगा। ये मोदी सरकार का साजिश है, इस तरह से प्लान बनाओ, BSNL को भूखे मारो तो BSNL बंद हो जाएगा। इसके खिलाफ आज कश्मीर लेके कन्याकुमारी लोग आकर के आवाज उठा रहे, सरकार जो BSNL को बंद करने का साजिश कर रही है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे, आगे में भी हम इस साजिश के खिलाफ लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप में BSNL को हम बचाएंगे, BSNL को फिर से एक लाभ कमाने वाले कंपनी बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2024 के अक्टूबर के अक्टूबर तक अगर टाटा इनको इक्विपमेंट सप्लाई करता है तो 4G सर्विस ये दे पाएंगे, लेकिन 2024 के मई तक में क्या होगा? क्या जो मौजूदा सरकार है जिसके खिलाफ इतनी जन आक्रोश उबल पड़ी है, खासकर मैं सरकारी नौकरी वालों को देखता हूँ, PSU वाले देखता हूँ, प्राइवेट नौकरी वाले देखता हूँ और मजदूर देखता हूँ, हर तबके के अंदर में एक नाराज़गी है हर पॉलिसी के खिलाफ मोदी के। हालांकि गोदी मीडिया को मैनेज करके आप अच्छा अच्छा दिखा तो सकते हैं, लेकिन वोट के टाइम में अंदर गोदी मीडिया नहीं देखने जाएगी, जनता ही जाती है, और जिसका आक्रोश, भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, जनता के पास एक ही मौका है, वो 5 साल में आता है, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, वो स्याही हाथ में लगाने का एक मौका आता है। जब आप, आपकी बात अगर ना सुनी गई हो तो आप उसका जवाब
यानी कि वोट काली स्याही जब उंगली में लगेगी तो जनता बताएगी कि जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है। और ये बीएसएनएल वाले नहीं, इस देश के हर पीएसयू, बीएसएनएल हो, रेलवे हो, तेल हो, सेल हो, भेल हो, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जा लीजिए, जब बैंक को लाइन पे लगा रखा है, तो उसके आगे आप क्या कह सकते हैं। इंतज़ार कीजिए 2024 तक का, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार आपकी बात सुने। और मैं उम्मीद ये करूंगा कि खास करके जनता, मैं नहीं कहता कि कोई भी पीएसयू वाली अपनी लड़ाई खुद अपने लिए लड़ते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे अगर एक रुपया आपका खर्चा है दोबारा बता देता हूं, तो आज अगर बीएसएनएल अगर उसी तेजी से होती तो 54 आपका खर्चा होता उसी मोबाइल के ऊपर में, ये याद रखिएगा आप। रेल के आगे में गेट पे जब लाला तराजू लेके बैठेगा ना कि 5 किलो से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हो, ऐसे ही जब बीएसएनएल खत्म हो जाएगी तो इन प्राइवेट ऑपरेटरों की बनवारी कहाँ पे पहुँचेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार।